दलौदा कृषि उपज मंडी के बाहर एक व्यापारी के मुनीम के साथ बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को मंडी व्यापारी रुद्र ट्रेडिंग कंपनी के संचालक ने किसानों के उपज को पैसे देने के लिए मुनीम राम प्रसाद कुमार को प्रगति चौराहे स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 1.5 लाख रुपए लेने के लिए भेजा था। बैंक द्वारा मुनीम को 100 के नोट की 5 गड्डियां और 500 के नोट की 2 गड्डियां दी, जो मुनीम अपने थैले में रखकर चल गया। मुनीम जब रुपए लेकर लौट रहा था, तब बिना नंबर के पल्सर बजाज बाइक मोटरसाइकिल पर दो सवार बदमाश उसके पीछे लग गए। इस बात की भनक मुनीम को नहीं थी। मुनीम जैसे ही कृषि उपज मंडी के लिए मुख्य द्वार के सामने पहुंचा और टर्न लेने के लिए बाइक की गति कम की, उसी समय पीछा कर रहे बदमाशों ने मुनीम से रुपए का बैग छीन लिया। इस पर मुनीम ने बदमाशों के बीच कुछ देर तक छीना छपटी भी चली। इस दौरान बैग फट गया, थैला फट गया, जिसमें से 500 के नोट की 2 गड्डियां वहीं पर गिर गई। इस पर मुनीम उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका, उसी समय बदमाश मौका पाकर 100 रुपए के नोट की 5 गड्डियां लेकर एलची की ओर भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश प्रारंभ कर दी है। पुलिस द्वारा आसपास की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए हैं, जिनमें चोर मुनीम के पीछे आते हुए दिख रहे हैं। राजनीतिक हलचल के लिए दलौदा से राहुल पवार की रिपोर्ट।